दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में प्रदूषण का कहर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है। सफर के मुताबिक गुरुवार की सुबह दिल्ली की औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 340 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। हालांकि ये बीते दिन की तुलना में थोड़ा बेहतर जरूर है। बुधवार को दिल्ली का औसत AQI 354 रहा। वहीं दिल्ली के पड़ोसी शहर नोएडा में भी जहरीली हवा से लोगों का हाल बेहाल है। यहां आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 393 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली NCR के इलाकों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से नोएडा में सबसे ज्यादा प्रदूषण का असर देखा गया है। बुधवार को नोएडा में स्थिति बेहद गंभीर थी। 2 नवंबर की सुबह नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 406 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वायु प्रदूषण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, काफी स्थिति गंभीर है और ऐसे में जनता को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कई जगह स्मोक गन्स के इंतज़ाम किए गए हैं। बहरहाल इतना कारगर साबित होती नहीं नज़र आ रही, क्योंकि जो क्वांटिटी चाहिए, जो स्मोक गन्स की संख्या चाहिए, शायद उतनी नहीं वहाँ पर उपयोग हो रही है। लेकिन दिल्ली में AQI काफ़ी ख़राब श्रेणी में पहुँच चुका है। नोएडा की भी बात करें, स्थिति गंभीर हो चुकी है। अब लोग मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं जा पा रहे हैं। बता दें, सुबह निकलने वाले लोगों का ये कहना कि वो जिस टाइम पर, जिस वक्त पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, उस वक्त पर उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो अब देरी में निकलते हैं। तो दिल्ली और गाजियाबाद की स्थिति फिलहाल जान लेते हैं कि क्या स्थिति है। गाजियाबाद से हमारे साथ अरुण चंद्र और अजय हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम दिल्ली चल लेते हैं, स्थिति क्या है अजय वहां पर, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। देखिए, दिल्ली के जिस तरह हालात खराब होते जा रहे हैं, वायु गुणवत्ता हमेशा जहरीली होती जा रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी इस पर काम कर रही है, क्योंकि सुबह सुबह अगर देखें लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, लेकिन आज तक बहुत लेट निकलते हैं, क्योंकि उससे पहले देखा गया कि दिल्ली की सड़कों पर पेड़ों पर पानी की बरसात भी की जा रही है, ताकि कुछ प्रदूषण जो मिट्टी कण जो जमे हैं वो जम जाए, नीचे आ जाए, ताकि कुछ लोगों को राहत मिले। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली का जो एक्यू लेवल है वो 400 से पार कर चुका है, यानी कि आर्कपुरम क्षेत्र या बसंत एरिया 400 से आसपास है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। राहत यह है, मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया इस समय, क्योंकि जो खड़ होता है वो हमारे नाक के जरिए जाता है, नाक के जरिए छोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं फेफड़ों में जाकर के वो जमता है, तो फेफड़ों का भी नुकसान होता है। खांसी जुकाम सांस लेने में दिक्कत होती है। तो देखिए, लगातार जो बुजुर्ग हैं उनको और बच्चों को ज्यादा दिक्कत है। यंग तो है कि वो थोड़ा उनकी सांस फेफड़े ज्यादा चलते हैं, तो वो लगता है कि थोड़ा रहेंगे, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको काफी परेशानी होती है। तो दिल्ली सरकार को देखना होगा कि कई ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे, चाहे ट्रैफिक पुलिस की बात करें या निर्माणाधीन की बात करें, या जगह जगह जो कूड़ा जलाया जाता है, या फिर जो फैक्ट्रियां हैं छोटी मोटी उन पर धुआं निकलता है, वो भी काफी हानिकारक होता है। तो दिल्ली सरकार लगातार इस पर काम भी कर रही है, और राज्य से भी जो पराली जला रही है उस पर जवाब भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा। हाँ, राजनीति इस पर खेली जा रही है कि ये हमारा काम नहीं है, केंद्र का काम है। तो देखिए, कहीं ना राजनीति लोगों पर खिलवाड़ किया जा रहा है। कोमल, चलिए अजय आप बने रहिए हमारे साथ। अरुण, आपके पास आना चाहूंगी। NCR की पूरी स्थिति बिगड़ चुकी है। गाजियाबाद में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल अगर हम दिल्ली NCR की बात करें या अन्य शहरों की भी बात करें, तो लोग अपना वाहन निकलकर ज्यादा सही समझते हैं, सहूलियत लगती है उन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं यही कारण है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और लोगों को दिक्कतें हो रही है। तो जिम्मेदार तो हम भी है, क्योंकि हम अपनी आदतें कहीं ना कहीं नहीं सुधार रहे। बहरहाल क्या स्थिति है? हाँ देखिए कोमल, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि दिल्ली में भी लगातार काम किया जा रहा है और प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया जा रहा है, वहीं गाजियाबाद की अगर मैं बात करूँ तो गाजियाबाद में जिस तरह का जो वर्किंग होना चाहिए प्रशासन की तरफ से, वो अभी तक नहीं किया जा रहा है। अगर बात की जाए जो फोगिंग गन है, क्या फोगिंग गन की भी अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। वहीं कोमल, एक बात और बता दूँ मैं आपको कि जिस तरह से पूरे दिल्ली NCR या प्रदेश में कहा जाता है कि पंजाब में पराली जलाई जाती है या उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जाती है, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वो चीज़ें दिखाना चाहूँगा। मैं इस समय मैं खेतों पर ही मौजूद हूँ, और खेत में जो कहा जाता है किसानों द्वारा कि पराली जलाई जा रही है, ये वो पराली है जिसको किसान को दोषी ठहरा दिया जाता है। ये वो पराली है जिसको कहते हैं
कि किसान अपने खेतों में पराली जलाता है, तो अब ऐसा नहीं है। ये पराली अब किसानों को जलाने की कोई ऐसी वो नहीं है कि किसान उसको पराली को जलाएगा, क्योंकि जिस तरह से NCR में या गाजियाबाद की बात की जाए तो आवारा जो पशु होते हैं उनकी वजह से जो खेत खराब हो जाते हैं, तो किसान अपने आप में इस पराली को सेव करके रखता है और अपने जानवरों को खिलाने का काम करता है। क्योंकि जिस तरह से गाजियाबाद और NCR में लगातार हाई राइज बिल्डिंगें बढ़ रही हैं, तो किसानों की जो खेती है उस पर ज़रूर असर पड़ रहा है। तो वहीं जो प्रदूषण की अगर बात की जाए और गाड़ियों की बात की जाए, तो गाड़ियों में भी अब 50% से ज्यादा कोमल CNG गाड़ियां आ चुकी हैं। हाँ। तो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर काफी कंट्रोल हो चुका है। तो जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया जाता है, यानी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भी एक तरह से किसानों को दोषी ठहरा देता है कि प्रदूषण जो पराली जलाई जा रही है पंजाब में, हरियाणा में या दिल्ली में, तो उस पर भी जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर मैंने ये रिपोर्ट बनाई है, क्योंकि जिस तरह से किसानों को बदनाम किया जाता है, या गाड़ियों की अगर बात की जाए तो गाड़ियों में 50% CNG की गाड़ी है, यानी वो प्रदूषण रहित गाड़ियां होती हैं। तो वहीं जो कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, फर्ज निभाती नजर आ रही है अरुण, लेकिन प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं इंतजामों में कमी है, यही कारण नजर आ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से शासन प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, चाहे सड़कों पर छिड़काव किया जाए या फिर कंस्ट्रक्शन के जो काम है, सबसे ज्यादा लोनी का जो हमारा यहाँ पे एक्यूआई लेवल है वो 400 से 500 के करीब पहुंच जाता है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है। तो जिस तरह से दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम को बंद कर दिया गया है और मजदूरों को भी 5,000 रुपये महीने का भत्ता देने की बात की गई है, अगर इस तरह का काम गाजियाबाद शासन प्रशासन की तरफ से किया जाए या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाए तो काफी राहत मिलेगी। हालांकि अभी राहत मिलती कोमल बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि आज की अगर की जाए तो आज और कल बुधवार को भी यहाँ का एक्यू लेवल बहुत ज्यादा था, और आंखों में जलन की जो शिकायत है वो बड़े बुजुर्ग या बच्चों को नहीं, वो आम हम जैसे लोगों को भी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए अस्पतालों की, तो अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर भी नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद के अगर जिला संयुक्त अस्पताल की बात की जाए तो हमारे डॉक्टरों से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ लोग छुट्टी से नहीं आए हैं और कुछ जो VIP होते हैं VIP डॉक्टरी के साथ VIP ड्यूटी लगाई हुई है। और इस समय क्योंकि गाजियाबाद और तमाम उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव है, तो उनमें भी उनकी ड्यूटी लगाई गई है, तो ये अपने आप में एक प्रशासन की लापरवाही जरूर है। और साफ तौर पर कहना मेरा फिर कोमल यही है कि किसानों को बदनाम ना किया जाए कि वो पराली से प्रदूषण फैल रहा है, गाड़ियों का भी इतना, कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा काम जो है सड़कों का निर्माण, और जो अवैध या खुले में जो रोड़ी बदरपुर डस्ट पड़ा रहता है उस पर अंकुश लगाने की बहुत जरूरत है। अरुण और अजय, बहुत शुक्रिया ये ताजा जानकारी हमसे साझा करने के लिए।